हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि छोटी मछली कैसे बनाते हैं। आपने अगर छोटी मछली खाई होगी तो आपको पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मैं आज इसी की रेसिपी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आधा किलो छोटी मछली है। इसके बाद इसको हमने अच्छे से धो लिया है, और इसके देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसके पेट में हल्का जो वेस्ट पार्ट होता है सब मछली को जिसके पेट दबा दबा के निकाल लेना है, तो हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे, जिससे हम लोग जब तक मसाले की तैयारी करें तब तक मछली खराब ना हो इसलिए, और जो एक्स्ट्रा इसमें स्मेल होता है वो सब हट जाए। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक मिक्सी का जार, उसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, उसके बाद डाल देंगे 1 टेबल स्पून सरसों का बीज, इसके बाद डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, हमने यहाँ पे 2 बड़े लहसुन को छील के यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 1/2 कप पानी। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्सी में चला देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं पेस्ट रेडी हो चुका है, इसको हम लोग एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इस कटोरी में डाल देते हैं हम लोग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देते हैं, और जो हल्का सा पानी था वो हम लोग डाल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। कभी भी आप कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ही के तेल उसमें डालें, इससे हल्का अच्छा बनता है। तो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग तेल और इसको हम लोग अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग जितने भी हमारे पास मछली है सबको अच्छे से हम लोग फ्राई करने वाले हैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं हमने जितनी भी मछली है सब इसके अंदर डाल दी है, उसको हम लोग अच्छे से 8 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप इस मेथड से बना के अगर खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता भी है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं अच्छे से मछली हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से हमने मछली को फ्राई करके निकाल लिया है। फिर से एक बार इसके अंदर अब ग्रेवी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितना भी ऑयल बचा हुआ था उसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं हम लोग। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देते हैं सरसों का बीज 1 चम्मच। अब जब अच्छे से चटक जाए तो इसके अंदर हमने जो मसाला बनाया था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और मसाले को हमें चलाते चलाते फ्राई करना है, इसको हम लोग को 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से फ्राई होने लग गया है, बॉयल होने लग गया है मसाला। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक, नमक डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। मसाले को हम लोग को चलाते इसलिए फ्राई करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलने लग जाएगा और चिपक जाएगा मसाला कढ़ाई से, इसलिए हमें इसे चलाते चलाते पकाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं 1/2 ग्लास पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं अच्छा सा ग्रेवी बन चुका है। अब इस ग्रेवी को अच्छे से हम लोग 3 मिनट तक उबालेंगे। तो देख सकते हैं हमने पानी डालने के बाद इसको अच्छे से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं हमने फ्राई किया हुआ मछली, जितना भी हमारे पास फ्राई करके हमने रखा हुआ था, इसको अच्छे से इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं अच्छे से इसके अंदर रस के अंदर डिप हो चुका है पूरा ग्रेवी के अंदर। तो हम लोग हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे और आपको इसको धीरे धीरे करना है, वरना ये पूरा टूट जाएगा, इसलिए आपको हल्का हल्का करना है। देख सकते हैं हमारा मछली बन के रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम वो डाल देते हैं धनिया पत्ता, और हमारा मछली यहाँ पे सर्व करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।